वन। आई होप गाइज आपको ये फोन तो याद होगा ही, तो वीवो V27 Pro काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ था। उसके बाद IQ का एक और फ़ोन फेल हुआ था, तो somehow वीवो IQ के फ़ोन की हिस्ट्री इस साल अच्छी नहीं रही। एट द लास्ट वीवो V29 Pro। आई नो गाइस काफ़ी लेट हो गया, मैंने दो बार ही ऑर्डर किया है लेकिन दोनों बार फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया 4-5 days 1 week वेट करने के बाद। मैं कल खुद गया फिर से थर्ड टाइम ऑर्डर करके लेने, बट somehow फिर भी नहीं मिला। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसा है, क्या इस फोन के साथ भी वही घटना घटने वाली, क्या इस फोन का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वैसे जस्ट लाइक द वीवो V27 Pro। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। ऑलराइट, परफेक्टली वर्किंग फोन गाइस है तो काफ़ी ब्यूटीफुल। स्टे ट्यून, इसको भी हम कुछ ट्राई करते हैं फुल व्यू में। एनीवेज व्हाट इट इज, स्टार्ट करते हैं फॉर द 5 मिनट इन 3, 2, 1। वैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि इस फोन में IP68 सर्टिफिकेशन है। आई एम श्योर ऐसा होना तो नहीं चाहिए बिकॉज वीवो में ये फीचर हो एडवर्टाइज ना करे, और पढ़ा भी मैंने बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड वेबसाइट पे था। कितना सर्टिफिकेशन है वो तो हम बाद में टेस्ट करते हैं, फिलहाल हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। वैसे वीवो के फ़ोन्स में लिक्विड डैमेज की हिस्ट्री अच्छी है, ज़्यादातर फोन्स पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हु नोस, क्या पता कंपनी आज फेल हो जाए। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट। वैसे हमने 5 मिनट से ज़्यादा ही टेस्ट कर लिया है, नेवर माइंड गाइस। बड़े बड़े शहरों में से ज़्यादातर घटनाएं होती रहती हैं, डायलॉग कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। ओके, नो इश्यूज, फ़ोन आपके सामने, लेट्स फाइंड आउट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको शायद पता ही होगा गाइस, नए फ़ोन में ऑलवेज़ फ्रेश ब्लेड में यूज़ करता हूँ। ये ब्लेड दो साइड से यूज़ होता है, तो शायद नया ब्लेड नेक्स्ट फ़ोन में निकालेंगे। लेट मी नो कौन सा नया फ़ोन हमें ट्राई करना चाहिए। एनीवेज, क्या फ़ोन के अंदर लिक्विड गया है? फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको सिम ट्रे देखना चाहिए, अगर सिम ट्रे के गैस्केट के इनसाइड में लिक्विड है तो फ़ोन में डेफिनेटली लिक्विड होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो गैस्केट के इस साइड में लिक्विड तो आई थिंक है, शायद है, वेरीफाई कर लेते हैं। नो फेक IP68 टेस्टिंग का क्या हिसाब है, एक भी ड्रॉप लिक्विड का बाहर से ही जाना चाहिए, तो हमने सारी चीज़ें सील कर दी हैं एकदम। अब शेक करके देखते हैं। सरप्राइजिंग, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं गया, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। मे बी इस फोन में अनऑफिशियली IP सर्टिफिकेशन है। देखो बहुत सारे जो लिक्विड हैं वो टाइप सी और स्पीकर में हैं, लेकिन सिम के इनसाइड में, ये फ़ोन के इनसाइड से ज़रा सा भी लिक्विड बाहर नहीं निकला है। डेफिनेटली फ़ोन भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारी चीज़ें एकदम काम करी, कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये एक आई थिंक बिग स्टेप है। वैसे ये गैस्केट प्रोटेक्शन है बहुत टाइट, मे भी शायद फ़ोन में कोई सर्टिफिकेशन, बट आपको ये चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहिए बिकॉज क्या पता कुछ हो जाए आपको पता ना चले। प्लास्टिक मेड सिम ट्रे है, ऑफकोर्स वीवो आजकल आप जानते हैं बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, एंड अगर हम सिम ट्रे को बैन कर देते हैं तो कोई वैसी क्वालिटी नहीं हो रही, यानी कि जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का है। एक्सीडेंटली आपका सिम ट्रे मुड़ जाता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और आपका फ़ोन सिम को प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा। एनीवेज, प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ पे भी होना चाहिए। Big chunk of plastics on the top, professional portrait. Buttons भी यहाँ पे प्लास्टिक के बने हुए हैं, एक्सीडेंटली प्रेशर लगने से बाहर तो नहीं आ रहे हैं, बट सो फॉर चीप क्वालिटी ऑफ कोर्स फील हो रही है। ईयर पीस विल जस्ट लाइक द अदर स्मार्टफोन,
इसकी ओपनिंग काफ़ी स्लिम है एंड प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक कीज एंड कॉइन्स जो भी आप कैरी करते हैं वो इसके इन साइड पर नहीं जा पाएंगे। ये डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर हो गया है विद टाइम। रिमेंबर जहाँ पे पहले प्लास्टिक और स्टील के बिग मेशेस दिखाई पड़ते थे वो जमाना जा चुका है। लेट्स ट्राई आउट विद द कैमरा फ्रेम। आउटर जो हाउसिंग है वो मेटल की दी गई है। आई मीन एल्युमिनियम। उसी के ऊपर पेंट आसानी से हो जाता है और ये काफ़ी सैड पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सैड पार्ट ये है कि कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है और जो ये फ्रेम दिया गया है कैमरे का वो कम्प्लीटली प्लास्टिक है, यानी कि कीज कॉइन्स जो भी हैं आप जानते हैं प्लास्टिक सभी से आसानी से क्रैश हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे केस ऐसा देना चाहिए कि जस्ट यहाँ पे ऐसा कटआउट हो। आई बिलीव जैसा हम इन्फिनिक्स के फ़ोन में देखा है, हमने रिसेंटली रियलमी के फ़ोन से केस में देखा, इवन वन प्लस नॉट 3 आपको याद होगा उसमें भी ऐसा केस दिया गया था। ये डिज़ाइन सर्टेनली काफ़ी वीक है और एटलीस्ट अगर ये पार्ट ग्लास का होता तो शायद स्क्रैचेस कम लगते, या मेटल का होता विदाउट द पेंट जॉब तो भी ठीक होता। LED फ्लैश प्लास्टिक इनसाइड है और यहाँ पे जो थर्ड कैमरा है उस पर भी ऐसे प्लास्टिक की लेयर दी गई। आई मीन मे बी स्क्रैच करने के बाद उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेवर माइंड, शायद वीवो ये फीडबैक पॉजिटिव भी मिले राधा देन मेरे से नाराज होने पे। मेरा काम तो गाइस आपको सच बताना है, कंपनी को कड़वा लगे तो कंपनी की प्रॉब्लम है। ओके, कैमरे लेंस के अराउंड जो आप रिंग देख रहे हैं वो भी मेटल की। एक्चुअली यहाँ पे दो लेयर हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको एक जो शाइन से दिखाई पड़ रहा है ये भी एल्युमिनियम का है और उसके ऊपर आपको एक अनदर रिंग दिखाई पड़ रही है जिस पे एक ब्लैक पेंट जॉब है। विद टाइम ये पेंट भी आसानी से छूट जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। डेफिनेटली आपके फ़ोन की रीसेल वैल्यू पर स्क्रैच पे अराउंड 1000 रुपीज़ कम होने वाली है। अगर आप फ़ोन एक्सचेंज करते तो आपको पता होना चाहिए। बैक पैनल ग्लास का फील हो रहा है। लेट्स फाइंड आउट द क्वालिटी। बाय द वे गाइस, वीवो V29 Pro और 29 दोनों में एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन है, जस्ट दो ही मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ कोर्स द CPU, वहाँ पे Dimensity 8200 है और 29 में 778G एंड ऑन द कैमरा वहाँ पे आपको एडिशनल 12MP का एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जबकि रेगुलर में आपको 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। दैट्स इट। बैक टू द ग्लास क्वालिटी। सो फॉर काफ़ी लंबे समय बाद वीवो के बजट फोन में अच्छी ग्लासी क्वालिटी मुझे फील हो रही है। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें टिल द लेवल 5 ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। लेवल 6 पे फाइन स्क्रैचेस हैं और 7 पे डीपर होते चले रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड ऐसा ही कंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए ऑन दिस डिस्प्ले साइड, आई मीन ऑन द प्रोटेक्शन। बैक पैनल पे ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लास दिया गया है। लेवल 5 तक यहाँ पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर होते चले आ रहे हैं। फोन में आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, यानी कि बेसिक स्क्रैचेस को आसानी से हैंडल करें। अदरवाइज आप कोई स्किन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं अपने पर्सनल फोन्स में यूज़ करता हूँ। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक्स। टाइम फॉर द बर्न टेस्ट। सो फॉर ये डिस्प्ले तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ स्क्रैचेस, पैनल की क्वालिटी एंड ऑल्सो ऑन द रिफ्रेश रेट पार्ट्स। लेट्स सी गाइस ये एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 12 से लगे सेकेंड लगे थे पिक्सल्स को बर्न होने में एंड ऑलमोस्ट रिकवर तो नहीं हुए। स्टिल आप देखेंगे Spotify के अराउंड आपको एक परमानेंट सा डीप बर्न मार्क दिख गया है। सो ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। अगर 10 सेकेंड के अराउंड में बर्न होके सॉर्ट ऑफ वापस आ जाता है तो डिस्प्ले बहुत अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पे ओके इज काइंड ऑफ लाइक। टाइम फॉर द बैंड टेस्ट। उससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेता हूँ फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बैंड करते हैं। म्यूजिक इज लाइफ गाइस। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस फोन के साथ एग्जैक्टली वही होने वाला है जैसा कि वीवो V27 Pro के साथ होता, बिकॉज कंपनी ने बहुत कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किए थे। आपने देखा था लाइक
मेटल है ही नहीं कहीं, इवन कैमरे के राउंड भी कम्प्लीटली प्लास्टिक है, और एग्जैक्टली वहीं से ही ब्रेक हुआ है जहाँ से लास्ट टाइम हुआ था। जस्ट ये जो स्लिम करने के चक्कर में जो बटन के पास एरिया होता है वहाँ से फ़ोन ऑलवेज टूट जाता है। अभी ये वर्किंग फ़ोन है, डाइंग कंडीशन में है, मैंने फोटोज़ का बैकअप भी नहीं लिया, लेकिन हम सारा चीज़ें क्लाउड पर रखते हैं। सो दैट्स इट गाइस, विद द वीवो V29 एंड V29 Pro दोनों एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन। अगर आप चार्जर का फ़ोन लेते हैं तो आपको एक पैथेटिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यस ऑफ कोर्स कैमरा में इसका ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड, चार्जिंग वर्जिंग सब कुछ अच्छी है। फ़ोन ले रहे हैं तो संभाल के रखिएगा, स्पेशली बैक पॉकेट में रखिएगा, और उसके ऊपर गलती से बैठ मजेगा रात में मूवी देखते हुए, मजे करते हुए। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी दिवाली।